Hello, Ritika this side, and today we are going to make a video on rayon fabric. We already made two videos on rayon fabric, लेकिन customer का still demand थी कि हम rayon पे और videos बनाएं जिसमें हम उन्हें दिखाएं कि rayon fabric कैसा होता है, rayon fabric को उनके बहुत सारे question हैं कि rayon fabric summer में use किया जा सकता है कि नहीं, और cotton और rayon में difference बताओ, viscose और rayon में difference बताओ, और हमें बताओ कि modal और viscose कैसे अलग हैं, और कौन से वाले fabric को कब use किया जा सकता है और क्यों रेयॉन को ही प्रेफरेंस दी जाती है ज़्यादा। तो मैं सबसे पहले जो एक्सप्लेन करूँगी वो है 30s rayon। 30s rayon मोस्टली जो रेयॉन फैब्रिक होता है उसी को 30s rayon कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा मार्केट में यूज़ होता है रेयॉन की तरह। 30s rayon को हम अपनी समर ड्रेसेस के लिए यूज़ करते हैं, और रेयॉन को सिल्क का डुप्लीकेट भी कहा जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सिल्की होता है, और रेयॉन की सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि उसको बहुत कम आयरन करना पड़ता है और उसमें बहुत कम सिल्वर्स आती हैं, तो आप उसको सबसे कम आयरन कर सकते हो। आप अपनी समर की ड्रेसेस में देखोगे तो सबसे ज़्यादा रेयॉन ही यूज़ होता है। लोगों का क्वेश्चन होता है कि रेयॉन एक सिंथेटिक फैब्रिक है, तो रेयॉन एक सिंथेटिक नहीं है, वो एक नेचुरल फाइबर पल्प से बनता है, लेकिन हाँ अगर उसको थोड़ा सिल्की बनाया जाता है तो उसमें केमिकल्स मिलाए जाते हैं, तो ये सेमी सिंथेटिक फैब्रिक है। ये जो फैब्रिक है ये 30s rayon है, और ये रेयॉन बहुत ही सिल्की है और इसको समर में यूज़ किया जा सकता है। ये इसको मोस्टली समर में और विंटर्स में, सबसे अच्छी बात 30s rayon की ये है कि ये थोड़ा सा मोटा होता है, तो इसको आप विंटर्स में भी यूज़ कर सकते हो अपनी टॉप के लिए, ड्रेसेस के लिए, और ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं होता, तो आपको इसके नीचे लाइनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये रेयॉन आप अगर अपनी किसी ड्रेस की ड्रेप की बात करें तो उसको बहुत अच्छी ड्रेप प्रोवाइड करता है रेयॉन। तो आजकल सबसे ज़्यादा फैशन में, सबसे ज़्यादा फैशन इंडस्ट्री मार्केट में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो है रेयॉन फैब्रिक। नेक्स्ट जो रेयॉन है वो है 40s rayon। 40s rayon अगर मैं 30s और 40s बोल रही हूँ, इट मीन्स कि उनके GSM की वजह से उसको ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि उसके वेट का डिफरेंस होता है। अगर 30s rayon की बात करें तो उसका वेट ज़्यादा होता है, और अगर 40s rayon की बात करें तो उसका वेट कम होता है। तो 40s rayon हमारी समर ड्रेसेस के लिए यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा सिल्की और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, तो आप अपनी ड्रेसेस समर की इससे बना सकते हो। और ये जो 40s rayon होता है, और रेयॉन की सबसे अच्छी बात यह है कि इस पर प्रिंट बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि ये बहुत ईजिली प्रिंट हो जाता है, तो इसके ऊपर अगर आप कोई भी प्रिंट कराते हो तो वो प्रिंट बहुत अच्छे से खिल के आता है। तो मोस्टली कस्टमर इसलिए बाय करते हैं क्योंकि अगर उनको बहुत सुंदर प्रिंटेड ड्रेसेस पहनने का मन करता है तो वो मोस्टली रेयॉन लेते हैं, वो बहुत कंफर्टेबल होता है। और रेयॉन की सबसे अच्छी बात ये भी है कि रेयॉन बहुत कंफर्टेबल है समर में, वो बहुत ब्रीदेबल है। अगर उसको कॉटन से कंपेयर करें तो जब ये गीला होता है तो ये वीक हो जाता है, लेकिन कॉटन वीक नहीं होता है, इसलिए लोग कॉटन ज़्यादा प्रेफर करते हैं रेदर देन रेयॉन। लेकिन रेयॉन बहुत जल्दी वेट अब्सॉर्ब करता है। अगर हम रेयॉन की बात करें तो ह्यूमिड वेदर में रेयॉन सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी वेट अब्सॉर्ब कर लेता है, और अगर कॉटन की कंपेयर में इसको देखें तो ये बहुत जल्दी वेट अब्सॉर्ब करता है, और इसमें जो इसके होल्स हैं वो बहुत होल्स होने की वजह से ये ब्रीदेबल होता है बहुत ज़्यादा। तो आप रेयॉन को यूज़ कर सकते हो समर में अपनी ड्रेसेस बनाने के लिए। अगर हम सबसे ज़्यादा सॉफ्ट रेयॉन की बात करें तो वो है 60s rayon। अगर जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया 30s rayon और 40s rayon, GSM वाइज अगर हम देखें तो 30s rayon मोटा होता है, 40s rayon उससे कम, एंड देन 60s rayon आता है। और 60s rayon सबसे ज़्यादा ब्रीदेबल होता है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। इसको मोडाल भी कहते हैं, अगर आप मार्केट में जाओगे तो इसको आप मोडाल के नाम से भी इस फैब्रिक को ले सकते हो। और इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि रेयॉन, जैसे कि अगर वो गीला होता है तो वो बहुत जल्दी उसके वीक हो जाता है वो, लेकिन अगर हम मोडाल की बात करें तो मोडाल सबसे ज़्यादा हमारे स्पोर्ट्स वेयर में और हमारे जिम वेयर में यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये इतना वेट होने के बाद ये इतना ख़राब नहीं होता। मोडाल रेयॉन को हम अपनी समर ड्रेसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप देखोगे कि ये बहुत ज़्यादा सिल्की है, और आई थिंक इसके लिए आपको लाइनिंग की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है। अगर आप विंटर्स के लिए कोई रेयॉन देख रहे हो तो आप टेंसिल ट्विल ले सकते हो। टेंसिल ट्विल अगर मोडाल और विस्कोस की कंपैरिजन में अगर टेंसिल ट्विल देखा जाए तो वो इन दोनों से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये वेट भी अब्सॉर्ब करता है और ये गीला होने के बाद स्ट्रॉन्ग भी रहता है। तो ये मोस्टली स्पोर्ट्स वेयर में और जिम वेयर में उसको यूज़ किया जाता है, और टेंसिल ट्विल थोड़ा सा ज़्यादा हैवी होता है, तो इसलिए मैंने कहा कि इसको हम विंटर्स में ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन आप इसको स्पोर्ट्स वेयर और जिम वेयर में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्रीदेबल भी है और ये वेट भी अब्सॉर्ब करता है। आजकल रेयॉन मार्केट में अलग अलग वीव्स के साथ आ चुका है। अगर हम विंटर्स के लिए रेयॉन की बात करें तो आप रेयॉन ट्विल भी ले सकते हो। रेयॉन ट्विल काफ़ी अच्छा लगता है जब हम इसकी ड्रेसेस बनाते हैं, स्पेशली ये बहुत ही ज़्यादा हॉट वेदर के लिए नहीं होगा, तो आप इसको थोड़ा सा विंटर के लिए यूज़ कर सकते हो रेयॉन ट्विल को।
तो इसकी बहुत सुंदर ड्रेसेस बनती हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि सबसे अच्छी बात है कि आपको इसको बार बार आयरन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए रेयॉन को लोग यूज़ करते हैं मोस्टली। और इसके ऊपर जो प्रिंट्स हैं वो बहुत अच्छे आते हैं, और रेयॉन ट्विल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप विंटर्स के लिए अपनी किसी ड्रेस को सोच रहे हो, तो रेयॉन ट्विल एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो अभी जो नेक्स्ट फैब्रिक है, मैंने जैसे कि बताया कि रेयॉन बहुत सारी अलग अलग वीव्स के साथ आ चुका है, तो एक मेरी जो सबसे फेवरेट वीव है वो है मॉस रेयॉन, क्योंकि ये थोड़ा सा बाउंसी लुक प्रोवाइड करता है। अगर आप समर की ड्रेसेस के बारे में बात करें और मॉस रेयॉन ना लिया जाए तो ऐसा हो नहीं सकता। तो आपको अगर कोई भी अपनी पार्टी वेयर ड्रेस चाहिए तो आप उसके लिए मॉस रेयॉन यूज़ कर सकते हो। मैंने जैसा कि बताया कि रेयॉन अभी बहुत सारी अलग अलग वीव्स में आ चुका है, तो उसमें से एक है मॉस रेयॉन, जो कि मोस्टली ड्रेसेस के लिए यूज़ किया जाता है। बीच की जो ड्रेसेस होती हैं आप उनके लिए मॉस रेयॉन को यूज़ कर सकते हो। इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि जब आप इसको थोड़ा सा पास से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये थोड़ा सा बाउंसी सा लुक प्रोवाइड करता है, और ये आपकी ड्रेस को और भी सुंदर बना देता है। अगर इसके जो प्रिंट्स हैं वो अधिकतर डिट्सी प्रिंट्स में आते हैं, तो आपको ये बहुत सुंदर लगेगा अगर आप इसको लोगे तो। और ये सबसे अच्छी बात है कि ये बहुत जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। अभी बहुत सारे कस्टमर्स का ये क्वेश्चन होता है, स्पेशली बॉयज़ का, कि वो रेयॉन पहन सकते हैं कि नहीं। तो आपके लिए जो बेस्ट फैब्रिक रहेगा रेयॉन में वो है रेयॉन स्लब। रेयॉन स्लब को हम मोस्टली कॉटन के कंपैरिजन में यूज़ करते हैं, तो रेयॉन स्लब को आप अपनी शर्ट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो रेयॉन स्लब काफ़ी अच्छे प्रिंट्स रेयॉन स्लब में आते हैं, आप एक अपनी बीच वेयर शर्ट बना सकते हो इसके लिए। और रेयॉन स्लब में, रेयॉन स्लब को पहचानने का एक ही तरीका है कि इसकी वीव से जो इसकी लाइंस होती हैं आप उससे इसे पहचान सकते हो। और रेयॉन स्लब मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए तो आप ये ले सकते हो। बहुत सारे कस्टमर का क्वेश्चन होता है कि क्या वो रेयॉन को डाई करा सकते हैं। येस, आप रेयॉन को डाई करा सकते हो। रेयॉन डाई बहुत इजीली हो जाता है, और आपको जिस कलर में उसको डाई कराना है आप उस कलर में उसको डाई करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं रेयॉन की वॉश केयर की। तो रेयॉन को इजीली वॉश किया जा सकता है, लेकिन उसको हैंड वॉश करना बहुत ज़रूरी है। उसको आप मशीन वॉश नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत जल्दी श्रिंक हो जाता है, और अगर हम उसको हॉट वाटर में वॉश करते हैं तो वो और भी ज़्यादा श्रिंक हो जाएगा, और वो अपनी शेप खो देता है बहुत जल्दी रेयॉन। बहुत सारे कस्टमर्स का क्वेश्चन है कि कॉटन की जगह पर रेयॉन पहना जा सकता है। ऑफकोर्स आप कॉटन की जगह पर रेयॉन पहन सकते हो। रेयॉन बहुत जल्दी, जैसा कि मैंने बताया पहले भी, कि रेयॉन बहुत जल्दी आपका वेट एब्जॉर्ब करता है, और वो समर के लिए एक अच्छा फैब्रिक है। लेकिन रेयॉन में एक ही प्रॉब्लम है कि वो बहुत वीक हो जाता है अगर वो वेट होता है, अगर कॉटन के को कंपेयर करें तो। आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दिए होंगे, लेकिन अगर आपका रेयॉन से लेके और भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। और अगर आपको हमें कांटेक्ट करना है तो आप +91997110620 पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी रेयॉन देखना है तो आप हमारी वेबसाइट पे रेयॉन में जाके देख सकते हो। हमारे पास रेयॉन में काफ़ी वैरायटी है, तो आप कोई भी रेयॉन ऑनलाइन बाय कर सकते हो। थैंक यू।